अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। चैप्टर फोर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब मैंने आपके लिए चैप्टर फोर के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आप इनको नोटबुक में नोट कर लेना। और ये देखिए, मैंने सबसे पहले डेट यहाँ पर ऐड किया है, डेट 21 जुलाई 2020। ये क्लास थर्ड है आपकी, ये आपको राइट नहीं करनी है, ये मैंने आपके लिए राइट किया है। वर्ड मीनिंग, द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर बच्चों आपका फोर है, और ये चैप्टर का नेम है तेनाली रामा स्टील्स द ब्रिंजल। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके डाउन में बच्चों यहाँ पे आप राइट क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग राइट करेंगे, और जितने भी आपके वर्ड मीनिंग है उनकी काउंटिंग करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वर्ड मीनिंग तो राइट कर लेते हैं लेकिन काउंटिंग नहीं करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेमस, फेमस मीन्स बच्चों क्या होता है, प्रसिद्ध। नेक्स्ट डेलीसियस, डेलीसियस मीन्स स्वादिष्ट। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस। और नेक्स्ट फोर्थ वन है बच्चों आपका नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स बेकार। साइलेंटली, साइलेंटली मीन्स चुपके से। और ये है बस, बस मीन्स सुनना। और डिलेमा, डिलेमा मीन्स संकट। और एर्थ है बच्चों ये थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स चोरी। स्टील थिली मीन्स चुपके से। आउट स्मार्ट, आउट स्मार्ट मीन्स चतुराई से मार देना। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ये वन से लेके टेंथ तक मैंने आपके वर्ड मीनिंग राइट किए। चलिए इसके सेकंड वाले पेज पे बच्चों आप क्या राइट करेंगे, सेकंड वाले पेज पे आप क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए अपर आप क्या नोट करेंगे, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। आंसर नंबर वन, राजा कृष्ण देव राय वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम, फुल स्टॉप मैंने यहाँ पर लगाया है। उसके बाद तेनाली रामा वॉज अ मिनिस्टर टू हिम। आंसर सेकेंड, राजा कृष्ण देव राय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रिंजल। थर्ड वन, बिकॉज तेनाली रामा प्रेज्ड द ब्रिंजल सो मच टू हिज वाइफ। फोर्थ वन, नो द डिड, नो के बाद बच्चों मेरे कॉमा लगाए, इसी तरीके से आपको भी कॉमा यहाँ पर लगाना है। ही डिड सो ऑन सेइंग ऑफ हिज वाइफ। फिफ्थ है बच्चों, बिकॉज हिज सन ओपन्ड द सीक्रेट टू हिम। सिक्स है बच्चों, बिकॉज द चीफ मिनिस्टर वॉज श्योर दैट तेनाली रामा कुड ओनली डू सच अ क्लेवर एक्ट। और एक और बच्चों आपका लास्ट वाला ये आंसर है, ये इधर है आपका, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आंसर सेवन है कि तेनाली रामा आउट स्मार्टेड द चीफ मिनिस्टर बाई क्लेवर एक्ट। ये तो हो गया बच्चों आपका नोटबुक का वर्क। अब देखिए मैं बुक का वर्क बता दे रही हूँ, बुक का वर्क आपका क्या है। देखिए बच्चों यहाँ देखिए, इधर ट्रू फॉल्स, देखिए फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, और ये थर्ड ट्रू है। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ये सभी क्या है बच्चों, फॉल्स हैं। इसके बाद फिलिप्स, देखिए फर्स्ट में आएगा साउथ इंडिया, सेकंड ब्रिंजल, थर्ड है करी, फोर्थ रॉयल गार्डन, फिफ्थ बकेट, सिक्स्थ बैड ड्रीम, और ये नेक्स्ट है बच्चों लास्ट है एपोलोजाइज। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों ये है ना, ये डी एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सीक्वेंस में लगाने हैं बुक के अकॉर्डिंग। ये सीक्वेंस में नहीं है, तो देखो मैंने आपके लिए अरेंज भी किए, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे काउंटिंग की है, साथ ही साथ आप कन्फ्यूज्ड ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पे राइट किया है। देखिए फर्स्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है ही, और मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ बच्चों, वेरी स्टार्टिंग से आप राइट करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने भी आपको वेरी स्टार्टिंग से राइट करके बताया, तो आपका ये फुल सेंटेंस इसमें आ जाएगा। देखिए इधर है, ये है लास्ट फाइव, इसके बाद है बच्चों टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट में फर्स्ट का बी पर मैंने टिक किया है, सेकंड का सी, बी है, बी है बच्चों विजयनगर, और सेकंड का सी है रॉयल कोर्टियर्स, थर्ड है बच्चों आर्ग्यूमेंट्स, और फोर्थ सिक्स ईयर्स, और फिफ्थ है बच्चों आपका एंग्री। क्लियर, अब देखिए बच्चों ये मैच है, एक तो इसमें एग्जाम्पल दिया है द फर्स्ट इज़ डन फॉर यू, एक तो ऑलरेडी यहाँ पर हो ही रहा है। सेकंड का देखिए मैंने इसमें आपके नंबर भी नोट कर दिए हैं जिससे कि आप कंफ्यूज्ड ना हों। तो देखिए इसका सेकंड का है बच्चों इन्फीरियर, और थर्ड का है एग्जिस्ट, और ये उसके बाद फिफ्थ का है डिफर, फोर्थ का है डिफर, फिफ्थ का है टेस्टलेस, और सिक्स का कंसील, और सेवन का है बच्चों प्लीज्ड।
ठीक है, इसी के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब मैं बच्चों आपको नेक्स्ट, मेरी जो वीडियो है आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड हो जाएगी। और अब मैं जो वर्क कराऊंगी वो मैं कराऊंगी इंग्लिश सेकंड की बुक में कराऊंगी, तो इंग्लिश सेकंड की बुक को अच्छे से इत्मीनान से आप रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।